यूपी के फतेहपुर में समाजवादी पार्टी नेता की दबंगई, बुजुर्ग किसान की जमीन पर कब्जा जमाने के लिए उसे बंधक बनाकर पीटा, पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर केस दर्ज। कोहरे की वजह से यूपी के हापुड़ में हादसा, स्कूल बस को रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 10 से ज्यादा बच्चे घायल। दिल्ली NCR में अगले कुछ दिन तक रह सकता है कोहरा, मौसम विभाग की चेतावनी, ट्रेन और फ्लाइट पर असर पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 300 स्कूलों के 1,85,000 बच्चों को बनाया साइबर क्राइम के प्रति जागरूक, बच्चों को सिखाए गुण। पटना में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, महागठबंधन के खिलाफ सड़क पर निकाली रैली। पटना में एक इंजीनियर ने पुलिस में दर्ज कराई ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत, बैंक अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला दर्ज। झारखंड के रामगढ़ में महिलाओं ने रोकी ट्रेन, रामगढ़ में रेलवे ब्रिज बनाने की कर रही हैं ये मांग। श्रीनगर में NIT की क्लासेस हुई शुरू, NIT के डायरेक्टर ने राज्यपाल को दी जानकारी। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन से की गई मुफ्त टैक्सी सेवा की शुरुआत, महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाएगी ये सेवा। मुंबई के कुर्ला में गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत, 1.5 महीने पहले शौचालय बनाने के लिए खोदा गया था ये गड्ढा। महाराष्ट्र के ठाणे में बनाई अवैध लॉन्च पर प्रशासन ने चलाया हथौड़ा, गैर कानूनी ढंग से बनाए कमरों को घंटों के हिसाब से जोड़ों को देता था मालिक। अमृतसर में CM बादल ने किया भगवान वाल्मीकि के मंदिर का उद्घाटन, वाल्मीकि की स्वर्ण मूर्ति भी की गई स्थापित। हरियाणा के सोनीपत में मैराथन का आयोजन हुआ है, हजारों स्कूली बच्चों ने भाग लिया है, PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर जागरूकता बढ़ाने था इनका। हरियाणा के करनाल में बीच सड़क दो आवारा सांड आपस में भिड़े, जान बचाने के लिए ATM की लाइन छोड़कर भागे लोग। जंगलों में लगी आग की चपेट में आ गया है शिमला कोर्ट परिसर, करीब 5 हेक्टेयर जंगली इलाका खाक हो चुका है, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया खाक। अहमदाबाद के कलोल में घरों से निकल रही है गैस, खाना बनाने से लेकर बिजली का इस्तेमाल करने से भी डरते हैं लोग। बिना विकास कार्य टैक्स वसूलने पर जयपुर नगर निगम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, मेयर के घर के बाहर ढोल बजाकर जताया विरोध। अजमेर के खेत में 40 किलो का अजगर निकलने से मचा हड़कंप, बकरी का पैर मुंह में दबाए बैठा था अजगर, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पकड़ा। हरिद्वार में लावारिस बैग से मिली पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां, नाभा जेल ब्रेक मामले में पुलिस को फरार कैदियों के हरिद्वार में होने की अब आशंका। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शहर की सबसे पुरानी पेपर मिल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर हुआ रहा। मुंबई में मौज मस्ती के लिए चोरी करने वाला प्रेमी जोड़ा गिरफ्तार कर लिया गया है, 5 लाख के जेवरात भी बरामद। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिर पर पत्थर मारकर 7 साल की बच्ची की हत्या, घर के पास निर्माणाधीन इमारत में मिला शव। झारखंड के लातेहार में रेलवे कर्मचारी की हथौड़ा मारकर हत्या, स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। शुरू गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 7 आरोपी अब भी फरार, पति का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के भीलवाड़ा में 20 लाख रुपए की चोरी, चोरों ने मोबाइल शोरूम में किया हादसा। दुनिया के सामने फिर खुली पाकिस्तान की पोल, नवाज से बातचीत पर ट्रंप की टीम का बयान, जैसा कहा जा रहा है वैसी नहीं हुई बात, सिर्फ पूछा हालचाल। इराक के मोसूल में ISIS आतंकियों से लोहा लेती सेना का एक और वीडियो सामने आया है, वीडियो में अंधाधुंध फायरिंग और आगजनी की दिख रही हैं कुछ तस्वीरें। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने लिया सेना की आर्टिलरी ड्रिल की तैयारियों का जायजा, ड्रिल से साउथ कोरिया के साथ और तनावपूर्ण हुए। नोटबैन के बीच शुरू हुई GST काउंसिल के 2 दिनों की बैठक, GST के ड्राफ्ट मॉडल, केंद्र और राज्यों के टैक्स मामलों पर चर्चा, डीमोनेटाइजेशन का उठ सकता है मुद्दा। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में पूरे दिन दिखी बिकवाली, सेंसेक्स 329 जबकि निफ्टी 106 अंक गिरकर हुआ बंद, निफ्टी 8100 के नीचे हुआ बंद। बोर्ड से मतभेद के बाद NSE की MD और CEO चित्रा रामकृष्णा ने दिया इस्तीफा, रविचंद्रन होंगे NSE के अंतरिम CEO। करीब 10 महीने के निचले स्तर से सोने में आई रिकवरी, MCX पर सोने का भाव 300 रुपए से ज्यादा चढ़कर 28,250 रुपए तक पहुंचा, चांदी भी पहुंची 40,000 के पार। मारुति ने 10 से 50,000 तक घटाए अपनी सभी कारों के दाम, सियाज 20 और स्विफ्ट 18,000 और डिजायर 25,000 रुपए तक हुई सस्ती। दिल्ली में BCCI की SGM में जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर हुई चर्चा, 5 दिसंबर को अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में देनी है स्टेटस रिपोर्ट। मुंबई टेस्ट के लिए KL राहुल की फिटनेस पर सस्पेंस बरकरार है, चौथे टेस्ट के लिए सिलेक्टर्स चुन सकते हैं विकल्प, गंभीर को की फिर हो सकती है टीम में वापसी। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की फॉर्म को पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने बताया बेहतरीन, कहा मौजूदा टीम देश ही नहीं विदेशी सरजमी पर भी जीतने में सक्षम। लगातार हार के बावजूद इंग्लिश क्रिकेट कप्तान एलिस्टर कुक के बचाव में बोले बल्लेबाज जो रूट, कहा भारतीय दौरे पर हार के बावजूद इंग्लैंड के लिए करते रहेंगे कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया में अगले साल एशेज सीरीज के दौरान खेला जा सकता है पिंक बॉल से डे एंड नाइट टेस्ट मैच, ECB ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पेशकश पर जताई सहमति। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे ने जीता प्रतिष्ठित रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड, सचिन ने भी अवार्ड के लिए अपने प्रशंसकों का किया शुक्रिया।
मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सायना नेहवाल का सफर हुआ खत्म। क्वार्टर फाइनल मैच में 226वीं रैंकिंग की चीनी खिलाड़ी से हारी सायना। भारत में खेले जाने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नाराज है। FIH के खिलाफ जिनेवा में स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन कोर्ट में करेगा केस, मांगेंगे मुआवजा। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने लगातार तीसरी बार जीता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब। रूस के सर्गेई कार्स्किन को हरा कर जीता ये खिताब। क्रिकेटर युवराज सिंह और एक्ट्रेस हेजल कीट्स की वेडिंग के लिए गोवा पहुंचे सितारे। कई सेलेब्स के साथ टेस्ट के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी पहुंचे। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म जॉली LLB 2 का फर्स्ट लुक किया शेयर। फिल्म में एक वकील के रोल में नजर आएंगे अक्षय। करण जौहर के चैट शो में पहुंचे सलमान खान और उनके दोनों भाई सोहेल और अरबाज। सलमान ने शूट के दौरान ली गई तस्वीरों को फैंस के साथ किया। सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ ने पोस्ट किया मालदीव से एक वीडियो, खाली वक्त में चलाती दिख रही है साइकिल। फोटोशूट के सिलसिले में गई है मालदीव। हॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा की राह पर चली दीपिका पादुकोण। एंजेलिना जोली की एक्शन फिल्म लारा क्रॉफ्ट का वर्जन बनाने की जाहिर की ख्वाहिश। सलमान खान को अपनी कामयाबी की वजह मानते हैं हिमेश रेशमिया। एक इंटरव्यू में कहा, मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ सलमान भाई का। प्रियंका चोपड़ा की पंजाबी फिल्म सरवन पर भी बड़ा नोट बैन का असर पड़ गया है। प्रियंका ने फिल्म की रिलीज डेट को 9 दिसंबर से टालकर 13 जनवरी कर दिया है। बॉलीवुड में आलिया भट्ट के स्टारडम से इंप्रेस हैं एक्ट्रेस श्रीदेवी। बॉलीवुड में अपनी बेटी जानवी को आलिया की तरह बनने की दी सलाह।